अच्छी महक आ रही है। इसकी तो खुशबू यहाँ तक आ गई है। यहाँ भी आ रही है। इसकी तो खुशबू पूरे कमरे में आ रही है। आहा, सारा कमरा महक रहा है। तुम लोगों ने मेरी इत्र की शीशी खोली है क्या? इत्र की शीशी? और क्या, सारा कमरा महक रहा है। इसने खोली? मैंने नहीं दीदी, इसने खोली। इसने खोली? अरे भाई, मैं तो केवल इसलिए कह रही हूँ कि कहीं वो इत्र तुम्हारी आंखों में न चला जाए। अगर आंखों में चला जाएगा तो बहुत नुकसान पहुँचाएगा। दीदी, मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। अच्छा? क्योंकि मेरी विज्ञान की टीचर ने इसी के बारे में बताया था। अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका प्रयोग घर में करके देखूं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, जो प्रयोग स्कूल में बताया जाए उसको कोशिश करके घर में जरूर करना चाहिए। हाँ दीदी, आज हमारी मैडम ने हमें अंतर आणविक स्थान के बारे में बताया था। हमें ठीक से समझ में नहीं आया। अंतर आणविक स्थान? हाँ दीदी, तो आप ही बता दीजिए। अच्छा बच्चों, आओ यहाँ बैठते हैं, यहाँ हम तुमको आसानी से समझा सकेंगे। आइए बैठिए आके यहाँ पे। अच्छा भाई, बैठ गए? हाँ दीदी। हाँ, तो आज स्कूल में पढ़ाई हुई थी तुम लोगों के? क्यों? हाँ दीदी। पढ़ाई की थी कि नहीं की थी? हाँ दीदी। अच्छा बच्चों, पहले आप हमें ये बताइए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बताइए दीदी। पदार्थों के बारे में तो मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पढ़ा था? तो बताइए कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती, बिल्कुल ठीक। और कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव और गैस। शाबाश, बिल्कुल ठीक। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अच्छा बच्चों, चलिए हम आपको इसको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये है ठोस, ठीक है? ये ठोस के अणु हैं। ये गोल गोल क्या है? ठोस के अणु हैं। ये अणु आपस में संगठित हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए होने के कारण इनको हम दबाए तो ये दबते नहीं है और इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, ठीक है? ये है द्रव। क्या है ये? द्रव। ये द्रव के अणु है। ये गोल गोल क्या है? द्रव के अणु है। देखिए, ये द्रव के अणु थोड़े दूर दूर है ना? हाँ दीदी। दिख रहा है ना? हाँ दीदी। और ठोस के अणु तो पास पास थे, लेकिन जो द्रव के अणु है वो ठोस के अणुओं की अपेक्षाकृत थोड़े से दूर दूर होते हैं। इसीलिए इनकी जो है आकृति अनिश्चित होता है और